आज का हमारा शीर्षक है YouTube पर कि सच्चे को सच्चा ही ढूंढता है। जय। कुलदीप शर्मा देखिए, हम लोग समझते हैं कि हम कर रहे हैं, हम लोग ये भूल जाते हैं कि भेजने वाला कोई, बुलाने वाला कोई, मौत और मुसीबत देने वाला कोई, खुशियां देने वाला कोई, तरह तरह के दिमाग, तरह तरह की शक्लें, साफ जाहिर होता है कि कोई है ये सब कुछ करा रहा है। अब हम लोगों ने एक परंपरा सी बना दिया, युगों से युगों से पूजा, हवन, चोना, टोटका, दुआ, ताबीज चला रहा है। गीला चना, चने की गीला गीला चने की दाल, वो भी गीला कर दो, भीगा हुआ, उसमें मिला दो गुड़। किसी एक बेवकूफ ने चलन चलाया होगा, आज करोड़ों बेवकूफ उसकी बातों को मानने के लिए तैयार है कि उसको देखा नहीं है जिसने बात बताई है। भाई, एक ने बेवकूफी चलाई तो 10 बेवकूफ उसको करके देखे, 10 के 20 हो गए, 20 के 40 हो गए, 40 के 80 हो गए, सैकड़ों में हुए, हजारों में हुए, लाखों में हो गए। कोई आदमी, कल कोई बातचीत हो रही थी घर में, हाँ, तो बेटी ने कहा, शाम का समय रहा, कुछ उनके है काम करने वाली जो आती है, कह रहे हैं शाम का झाड़ू ना लगाई चाहिए। तो एक आज और रही पार्लर में काम करने वाली, हम कहा जो नहीं करना चाहिए हम आज बता के करते हैं, हर हालत में करते हैं, बदनाम भी होते हैं, जेल भी चले जाते हैं, फांसी भी चढ़ जाते हैं, जो नहीं करना चाहिए हम बखूबी उसे करते हैं, निभाते हैं। अरे बताओ, शाम का समय है, टाइम नहीं है तो शाम लगाओ, सुबह लगाओ, ये क्या नाटक है? हजारों मन नींबू मिर्चा हमारे देश में बर्बाद हो रहा है, हजारों मन रोज। करोड़ों रुपए देश का बचाया जा सकता है। न तो मैं कोई डॉक्टर हूं, ना कोई मैं वैद्य हूं, ना मैं हकीम हूं, ना कोई नेचुरोपैथ का बड़ा भारी कोई मास्टर हूं प्राकृतिक चिकित्सा का, बस उसकी बारीकी को समझ लिया, बस उसकी बारीकी को समझ लिया। जय हो। गहराई से सोच, गहराई से चिंतन करो, बहुत कुछ आपको मिलेगा। स्वामी जी ध्यान लगवा रहे हैं, बड़े बड़े लोग, स्वामी जी, अरे अंधो, कोई स्वामी जी ने ये बताओ कि आसमान उड़ के दिखा दे, एक बार ऐसे फूंक दे तो कोरोना उड़ जाए, उनके जिले से तो भागी जाए। भाई क्यों आप लोग मानते हो नेता हैं, स्वामी, क्या खूबी है उनके अंदर? तो कर्मयोगी होता है ना, कर्मयोगी को ही पहचानता है। अभी टीवी में, इंडिया टीवी में हुकुमदेव नारायण, हुकुमदेव नारायण नाम है ना, सांसद हैं बिहार के। अब वो आदमी जब बोलता है क्या उसकी बातों का खंडन कोई माई का लाल है जो उसकी बातों का खंडन कर दे?
उसकी बातों का खंडन करो। आंतरिक मन की पीड़ा से बोलता है। एक सवाल उसने किया कि जितने लोग बड़े हैं किसान, उनसे कहो कि भिंडी के बीज काहे काहे की बीजा यही पहचान के बता दो, इनको कब बोना है कैसे बोना है यही बता दो। तो अब हम लोगों का फर्ज बनता है, हम लोगों का, कि सच्चे आदमी का जो है, सालों से बंदों की सेवा करते हैं, क्या कभी बंदर ने आपको काटा है? नहीं, अब कभी कभी काट लेते हैं, ऐसा नहीं काटा है, वो हमारी गलती है तो काटा है, गलती है। अब लावारिस बंदर, हम पूंछ पकड़ के घसीट रहे उसका, उसके कमर में है दर्द, क्यों घसीट रहे कि रात को पानी में भीग जाएगा। जनवरी का महीना, नवंबर में मैं भयंकर ऑपरेशन से निकला, बाल बड़े नहीं, वो सब बाल बोल मोड़ दिया गया था, इतने इतने बाल थे, शरीर में उतनी ताकत भी नहीं थी, देखा कि रात में भीगेगा मर जाएगा ये। 31 जनवरी शायद, हाँ 31 जनवरी, अब पूंछ पकड़ के घर घसीटने लगे हम, थोड़ी दूर तक तो घसला पाए एकदम, कब उसने हमको गिरा दिया हमें पता नहीं। अब पैर में बुरी तरह से काटा, दौड़ के गए नल खोल करके खूब खूब पानी धार गिराया ताकि काटे के जहर वहर कुछ निकल जाए, खून बह जाए। तब याद आया वही कैमरा रखा हुआ था, कैमरा अरे हम कहा लाओ बनाओ, और उसी में श्रीमती जी को उल्टा सीधा बोल रहे थे, डांट रहे थे, कुछ बहुत ज्यादा कुछ कहा तो नाती ने उस वीडियो को काट के छोटा बना दिया। ऐसे कभी कोई नहीं काटा, जब हम गलती करेंगे तो काटेंगे। जी हब साहब, बहुत बढ़िया। साधु जी, भगत और अनुयायी के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि भक्त साधु का काम देखते हैं और अनुयायी साधु का चेहरा देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत दिनों के बाद आना हुआ आप साहब। देखिए सच्चाई है ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, सब जानते हैं। बेशर्मी हमारे समाज में बहुत, आंखों पानी लोगों को मर चुका है। अब कहीं ना कहीं हमको तो टाइम नहीं मिलता है, कमेंट में अब लगे कभी नहीं पड़ जाती है। अब इतने इसमें कमेंट लिखने वाले, बुराई करने वाले हैं, उनका सिर्फ एक मकसद है, दूसरा नहीं है। एक मकसद है क्या, कि हम मोदी की बड़ाई क्यों करते हैं। अब जो जो गद्दार हैं, मक्कार हैं, आज उनके मुंह से निकल गया, कमेंट में लिख दिया कि मोदी जी से कुछ मिलने वाला नहीं है और उनकी बड़ाई करते हो, कुछ तुमको मिलने वाला नहीं है ना कुछ मिला है आज तक, और अपने ये सारे रिकॉर्ड रखते हो कि इन्हीं को देखा कि तुमको भीख मांगना है। अब कहने को तो बोल गया, क्योंकि आंखों का हाया पानी जब मर जाता है, गंदे लोग होते हैं। टोल टैक्स कांग्रेस के टाइम में ही आ गया था, वरना सिकुलर चिल्लाते मोदी जी ने रूढ़ी बेच दिए। टोल टैक्स कांग्रेस के टाइम में आ गया था। देखिए हमारा मतलब है, क्या भैया हट कैसे गया, ये हट कैसे गया भाई, कैसे हट गया, एक मिनट छूछा लो तो थोड़ा हट जाता है, आ गया। मतलब उल्टा सीधा बोल देना, अब चूंकि अब जो आदमी बारीकी से जानेगा हमें, तो हर व्यक्ति बारीकी से जानता भी नहीं है और जानना चाहता भी नहीं है।
जी देखिए रुद्रा साहब, आप LLB लिखे हैं शायद, वकील होंगे, वकालत पास किया होगा, हमारे अंदाज से जो लिखा है। एक बात यह बताइए कि एक विशाल देश, पावर विशाल देश का कुछ मतलब जो बड़े नेता हैं, विशाल देश के नेता हैं ना, उन लोगों को अपना प्राइवेट, अरे उनका थोड़ा पावर होता है, केवल उनकी निगाहें टेढ़ जरा घूम गई तो मुकेश अंबानी साहब भामा साहब बन गया, पूरा बोरा खोल खोल दिया, घबरा जो भी किया हो घबराहट में खोला, जैसे खोला अपने को लुटा दिया, लुटा दिया। अब लुटाया है जनता के लिए किया, जो जनता भी काम ना करेगी, कि मुकेश अंबानी साहब का जो भी नुकसान लॉस हुआ हो उन्हीं का फायदा हो, उन्हीं को बड़े बड़े काम दिए जाए, जनता भी तो चाहेगी। तो होता यह है, कोई भी कार्य अगर गंभीरता पूर्वक किया जाए, सोचा जाए कि भाई ये आदमी है कौन। अब कहीं पढ़ने नहीं आएगा साहब, वो पैसा मिलता है, पैसा मिलता है, मुंह से निकला है मोदी जी का नाम लेते हो, अब हम पकड़ वही समझ गया। अरे भैया मरे मत जाओ, अभी तो हमें तो तुम्हारे जैसे लोग अगर पहचान ले हमें, तो ये धरती स्वर्ग हो जाए, बहुत जरूरी है। जी 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 बस आखिर जी सबसे विडंबना क्या है कि अच्छी बातों को लोग जल्दी मानते नहीं है, मतलब जो जो दिखाई पड़ता है वो नहीं देख रहे हैं, और जो नहीं दिखाई पड़ रहा है उसको देख रहे हैं। अब दुकान में नींबू मिर्चा आएगा, दुकानदार पूछा क्यों साहब देख क्यों, अरे बाबा जी टोना हमका, इसका मतलब यही हुआ कि भूत प्रेत टोना शैतान आएगा दुकान में, तो उसने मिर्चा खोस के नींबू निचोड़ देंगे। हे क्या देखो पी की बातें करते हैं यार, सारा साधु संत महात्मा ज्ञानी त्यागी सब खामोश बैठे, भाई लिखी लिखाई पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई कही कहाई लिखी लिखाई बातों को रिपीट करते हो, शर्म करो। जो सुना, अरे यार कुछ नया लिखो, कुछ नया लिखो, कुछ नया बोलो जिससे कुछ दिखाई पड़े, जिससे कुछ दिखे। लाइवली आओ भाई, जब समुद्र की गहराई में जाओगे तभी कुछ मिलेगा। आप रैबली आइए, हाँ फला 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 जाइए, वहां से पूछिए। नंबर भी दिया जा सकता है, लेकिन पता नहीं आप कौन है क्या है, तो उसका मजाक उड़ाइए या उसको उल्टा सीधा लिखिए, इसलिए रैबली आइए। महाज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा, कहाँ जहां कर्म है। अरे भैया जहां रोटी है वहीं तो पेट भरेगा यारो, जब होटल में गए हो खाने, वहां रोटी चपाती है ही नहीं, क्या खाओगे, आलू की छिलका खाओगे। तो ज्ञान जहां कर्म है, निस्वार्थ वही ज्ञान है। सब चीजें नोट नोट करो, मैं नहीं बोलता हूं, उसे कोई बोलवाता है, जहां कर्म भाई जहां रोटी है वहीं पेट भरेगा, रोटी का पता नहीं है बैठे और थाली लेकर के, तुम्हारे जैसा आज पूरे समाज में ही हो रहा, पता बाबा ये मंगा लो हवन सामग्री मंगा लो, अरे दुनिया भर का आडम्बर, दुनिया भर का आडम्बर। क्या महादेव सीरियल में भोलेनाथ ने कहा, तो परिश्रम के लिए जोड़ दिया, कर्म निस्वार्थ, कोई स्वार्थ ना हो।
तो आदिवासी पकड़ में आ गया। हम समझ गए हमारे जलेसी के लोग मरे जाते हो। तो हमने कहा अच्छा लो भैया तुम्हारी शंका मिटा लेते हैं, शंका ये मिटा लेते हैं, 1 महीने हम एक प्रयोग करेंगे, 1 महीना पर अंदर दें, हम मोदी जी का नाम नहीं लेंगे। ठीक, अब तुम सोचो कि जो हमारी आमदनी मिल रही है वो तो बंद हो जाएगी ना। उस समय फोन से पूछ लेना कि बाबा जी घर में है कुछ खाने पीने के लिए। भाई तुम्हारी तसल्ली के लिए हम ये भी कर सकते हैं हम नाम। अरे वो भारत के कण-कण में वो मोदी जी बस चुके हैं। कुत्तों की भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाथी अपना चाल बदल ले। गंदे विचार के लोग कि जो संसाधु को नहीं पहचाने कि हम हैं कौन, कितने करोड़ रुपए मैंने ठोकर मारे हैं, करोड़ों लाखों में नहीं। वो आदमी पैसा कमाएगा, वो पैसा मांगेगा, पैसा इकट्ठा करेगा। बात का तो प्रमाण है मेरे पास। कि भैया पैसा मिल रहा है, अब तो तुम्हें पता लग जाएगा, ध्यान देना चाहिए, एकदम चुप लगाना भी आदमी समझेगा। देखो हमारी बात तो हम दब धान के पास कोई जवाब नहीं, नहीं जवाब तो ऐसा है कि शायद तुम्हारे दो चार पीढ़ी में अगर आ जाए तो उनको भी जवाब मिल जाएगा। क्यों, यहाँ निस्वार्थ के केवल केवल काम किया, निस्वार्थ, कोई मेरा स्वार्थ नहीं था। कोई माई का लाल हो स्वार्थ हमारा सिद्ध कर दे। कुछ लोगों की अपनी अपनी पसंद है, हमको पसंद है कि हम खूब बढ़िया काम करें और हमारा हमारे कार्यों का लोग अनुसरण करें। हम पैसा मत दो, हमें गुरु मत बनाओ, हमें कोई माला मत, हमें अवार्ड मत दो, लेकिन अनुसरण करो। जब मैं करता हूं उसको करो, थोड़े करो, नहीं कर सकते हो तो कम से कम हमारा हौसला बढ़ाओ, हमारा सावधान करो। कोई जरूरत नहीं कि आप हमें पैसे भेजो हम बंदर भोज करें, नहीं, हजारों हजारों तक मेरे पास फोन आए होंगे और सबको मैंने यही जवाब दिया। हजारों दिलों के अंदर जगह बन गई अपने आप कि हम लोग पैसा दे रहे हैं, बाबा इनकार करता है। सवाल इस बात का है कि किसी बात को गहराई से सोचो। हमने कहा चलो अब तो ये भी करके, भाई अगर भाई हमारी रोजी रोटी पैसा हमको मिल रहा है, हम नाम नहीं लेंगे तो पैसा बंद हो जाएगा, तुम्हारी मंशा तो यही है, चलो हम ये भी कर देते हैं। अरे गंदे लोग होते हैं, आओ अपना मोबाइल नंबर दो, किसी बात की गहराई को समझो, सर्व करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो कि तुम्हारे देश का आदमी आज पूरे वर्ल्ड को ललकार रहा है, चैलेंज किया है कि जो कुछ जिस कंडीशन में मैंने किया है, कहा नहीं, जिस जिस कंडीशन में मैंने किया है और पूरी जिंदगी उसी में घोसेड़ दिया, पूरी जिंदगी उसी में लगा दिया, एक नमूना देखो। नहीं दिखा सकते हो हम तो जानेंगे तुम हार गए। भाई या तो हारो और या तो हराओ, या तो सीखो या तो सिखाओ, कोई हर्जा तो नहीं है। तो वो सांसद हुकुमदेव जो थे बिहार वाले, पूजने वाला व्यक्ति, ऐसे लोगों की पूजा होनी चाहिए जो कर्मयोगी है। देखें क्या 30 एकड़ में नेहरू की समाधि, 25 एकड़ में इंदिरा की, 19 एकड़ में राजीव की कब्र। अरे बाप रे बाप, बड़ी भयंकर जानकारी रखते हो भाई। के पूछते हैं 2.5 एकड़ में नया संसद भवन क्यों। अरे राहुल वाह, अरे सैनी क्या बात, डटे रहो।
नहीं, आने वाले समय में भाई देखो हर चीज का उपयोग होना चाहिए, समझ गए? आदर मिले, लेकिन आदर के अलावा कोई को भगवान थोड़े समझा जाएगा, देवतुल्य कहा जाएगा। जैसे मोदी जी, योगी जी देवतुल्य है, ये हुकुम देव सांसद है, ये देवतुल्य है। इसने गरीबी देखी लेकिन अपना ईमान नहीं छोड़ा, ऐसी नहीं बनाया। हुकुम देव नारायण जो सांसद है, आज इंडिया टीवी में बोल रहे थे, थोड़ी देर इंटरव्यू था उनका, देवतुल्य इनको कहो। कोई हैसियत बनाई वो 7 दिन में? तो भैया जो लेता नहीं वही गलत से बोलता है। हमने तो वर्ल्ड को चैलेंज कर दिया, टिवड़ी दुनिया को, मामली बात है। अरे कोई यार ये आ जाएगा तो हम हार जाएंगे भाई, कोई कोई तो हारेगा लड़ाई में, हम तो बैठे हैं हारने के लिए, कोई आओ तो सही। बहुत गंदा। आज भी भोलेनाथ महादेव सीरियल में कुछ लोगों की मानसिकता ही गुलामी की बन जाती है, वो गुलामी में जीने की उनकी आदतें बन जाती है, जैसे अपने होते हैं ऐसे वैसे ही अपने बच्चों को बना देते हैं। कितनी घटिया और शर्म की बात। चलिए एक बात हम कहीं भूल ना जाएं, आजकल मार्केट में अमरूद आया हुआ है, तो जो फल बेचने वाले हैं वो गुजरात का है, गुजरात का है। तो देखा यार, जब नारियल हमने पैदा किया, समुद्री जलवायु की पेड़ हुआ नारियल है, चीकू है, लौंग का पेड़ लगा दिया, भले फल ना दे, ये अमरूद का पेड़। इस अमरूद के बारे में अगर कोई सरकारी नर्सरी से संबंधित कोई साहब सुन रहे हो या उनको आप जानते हो, तो कृपया सरकार से हमारी बात सरकार तक पहुंचा दिया जाए। हम समझेंगे कि आपने हमारा हमें आपने हमें फॉलो कर दिया। अच्छे संदेश पहुंचा दीजिए, हो आप लोग अगर जानकार हैं तो मैं अमरूद को दिखाता हूँ। हालांकि वो यहाँ के अमरूद के जैसा स्वाद तो नहीं है, लेकिन अब देखने में आकर्षक तो है ही है। तो मार्केट में आ रहा है 120 रुपये, 110 रुपये किलो बताते हैं, जो भी हो ये ऐसे ही चढ़ाव होता है। जो हमने आपने देखा होगा, थोड़ा दब गया था तो दुकानदार जो हुआ बंदर के लिए दे देता है, जब काफी होता है तो पैसे भी दे देते हैं। इस साइज का अमरूद है, देखा गोल है, यहाँ वाला स्वाद तो नहीं लेकिन मीठा है, देखने में कितना बड़ा है। इस पेड़ का कलम, जबकि मैं जानता हूँ यहाँ मार्केट बनेगा, कट जाएगा, लेकिन एक आदत शौक है, चलो लगा के देखा जाएगा, और भी कहीं लगाएंगे। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो जिसके ऊपर आंख मूंद के विश्वास किया जा सके, जितने लोग बहुत से जुड़े हैं आंख मूंद के विश्वास नहीं किया, क्योंकि उनके लक्षण ही देख के बड़े अजीब से लगते हैं। अब सवाल ये होता है कि रहना उन्हीं के बीच में है, उन्हीं के संग साथ में रहना है। अब जब साथ में रहना है तो भैया चलो अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन मैं जैसे कहा वो पैसे मिलते हैं, अरे कितने कुत्ते भूख चुके अब तक, इन कुत्तों के नहीं मालूम कि हम जब बाहर से पैसा लोग भेजते हैं मैं मना कर देता हूँ, है हम मोदी जी का नाम लेंगे पैसा दे करके। जिस आदमी ने करोड़ों रुपए को ठुकरा दिया, तो साहब ये अमरूद को पहचान लीजिए, मार्केट में आता है, कहते गुजरात गुजरात, उनका गुजरात तो लंदन में है। इसका कलम, इसका कलमी पेड़ आप लोग सरकार से मांग करें, अगर कुछ आप लोग नेता टाइप के हैं, किसी पार्टी से जुड़े हैं, सरकार से मांग करें कि सरकारी नर्सरी करोड़ों करोड़ों रुपए तनख्वाह देती है, करोड़ों रुपए। अरे इतना बड़ा इनका विभाग है, सरकारी उद्यान पेड़ पौधों वाले, उनके बाद आवागमन है। ये इस अमरूद को पहचान के इसके तत्काल कलम पेड़ मंगावे, अभी तो जाड़ा है, जाड़े के बाद भी आ सकता है, कलम मंगावे
पेपर में दे दे यहाँ इसके पेड़ आ गए हैं, जिसको लेना हो वो अपने आधार को दिखावे, पहले एक एक पेड़, अगर बचे तो दो दो दे दो, पांच पांच दे दो, लेकिन पहले एक एक पेड़ जिसको शौक हो ले आओ। और बहुत अमरूद बड़ी मजबूती से लग जाता है, बड़ा मजबूत पेड़ होता है इसका। तो हमने अमरूद दिखा दिया, अगर आप लोगों ने देखा है इसमें अब हमारी सहायता करें, इसका इस बात का नशा है हमको। कहीं नहीं किसी के बगीचे में लगा दो, कहीं विश्वास करो कुछ करो, नहीं जाए कुछ नहीं, बड़ा भयानक समय आने वाला है, चाहे जितना प्रयास कर लो, गलत करोगे तो भोगना पड़ेगा। अरे गंभीरता से सोचो, बाबा किसे कहते हैं, कर्म क्या है, श्राप आशीर्वाद क्या है, इसको जानो दो बस। आप आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद ना हो गया दाल भात हो गया, कोई मूली गाजर हो गया, इसको भी लगा दें। दुबे सनी बहुत दिनों के बाद आए, कहाँ हैं आजकल आप? जय हो जय हो। हर चीज का आकलन करो, वही बताया जब भोलेनाथ ही कह रहे, कुछ लोगों की मानसिकता होती है गुलामी की, गुलामी वाली उनकी मानसिकता होती है, वो अपने आप को आजाद नहीं समझ पाते हैं। चापलूसी करना, मक्खनबाजी करना, किसी अच्छे बात के ऊपर बोल न बोलना, चुप लगाना। उदित चंद्रा जी और एक एक की अथक प्रयासों से राम जी और हनुमान जी के आशीर्वाद से वह मंगल घड़ी आने वाली है जिसमें मोदी जी के द्वारा बाबा जी का सम्मान होगा। धन्यवाद हम सब शुभ चिंतकों की तरफ से। अब यही तो एक संकट है, वहां तो हमको बड़े हम पशु पेशना पड़ेंगे कि हमको वो सम्मान करें, पहले हमारी फरमाइश जरूर थोड़ी पूरी कर देते, क्या बताऊं। हमको उनका कोई वस्त्र चाहिए पहना हुआ, या चरण की धूल मिट्टी मिल जाए, क्योंकि देखो आप योगी मोदी दोनों क्यों, अरे इतने बड़े विशाल भारत को जो जहन्नुम में मिट गया था, हम अपने ही देश में गुलाम, बाकी क्या लगा, हम आजाद कहाँ हुए थे बोलो, कहाँ आजाद थे, अपने ही देश में गुलाम, हमारे आराध्य देव, हम मंदिर नहीं बनवा सकते थे। अरे अरे बाप रे बाप, अरे मर जाके चुल्लू भर पानी में, अपने आप को हिंदू कहता है, हम अपने भगवान मंदिर नहीं बनवा सकते हैं, नहीं, हम अपने देश में ही हम गुलाम हो गए, यही हमारा देश था। एक साहब ने कहा सेकुलर शब्द जो है देश को खा गया, खा जाता वो तो कहो समय से आ गए, आज हजारों आदमी करोड़ों के दिलों में
मोदी जी बस रहे हैं आज, श्याम साधु जैसा सख्त जो आज तक, भाई भाई हमारी भी तो कुछ हैसियत है, हम कहीं अटल जी के चरण की धूल मांगे, और बहुत से ने झुका दिया है, झुके नहीं, अगर ये झुका है अपने जीवन में तो मोदी और योगी, और गुरु अपना माना है किसी को डॉक्टर ओपी जायसवाल, अदूनी की आत्मा जो है अभिषेक जायसवाल में प्रविष्ट कर गई है। अभिषेक जायसवाल जी हमारे बड़े परम शुभ चिंतकों में से है, वो हमको टोकते हैं, हमारे अच्छाई के लिए हमको डांट भी देते हैं, नाराज भी हो जाते हैं, असली शुभ चिंतक है हमारे वो बातों से पता लग जाता है। तो हम आवे कुछ आ जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन जिसको मैंने भगवान कहा है, कितनी आंसू बहाए हैं, कितने रो पड़े हैं हम, वो भगवान हमको सम्मानित करे, हमें आत्मा अंदर से धिक्कार रही है। अरे हमारी इच्छा थी हमसे मिले भी नहीं, केवल गारंटी से होता कि हाँ साहब वो बैठे हैं, उठ के जा रहे हैं, फोटो उठाओ वीडियो बनाओ हमको दो 5,000 रुपए, हमने कहा हम 5,000 देंगे कि मोदी जी का जूठा जल हो, हाथ का छुआ जल हमको कोई लागे दे दे। अरे देश को बदल दिया है यारो, देश को बदल दिया है, हुकुम देव नारायण जो आते हैं ना ये सांसद है, आप जो है उनका उनका जोड़ा देखाओ, इतना अस्पष्ट बोलने वाला, आज भी वही गरीबी माहौल में रहते हैं वो है? जो तकलीफ होगा वही वही व्यंग बोलेगा, वही जूते मार सकता है, जो योगी होगा वो ललकार के बोल सकता है। अब इस समय खबर आ रही है शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश वाले बड़ा जोर मारे हैं, जरूरी है अंकुश, जरूरी है, किसी को न दबाइए न सताइए, लेकिन किसी को अधिकार भी मत दीजिए कि हमारे घर में रख के हमको हमारे मुंह पर थूके, हमारे ऊपर कूड़ा फेंके, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेल बांट के रहो, प्रेम से रहो, भाई हर आदमी का, हर आदमी चाहेगा कि नहीं उसका एक घर का नाम हो, गांव का, भाई कौन से गांव के हैं, कहाँ रहते हैं, लोग मोहल्ले के नाम बताते हैं, ठीक, कोई बारीकी अगर हुई तो पिताजी के नाम, दरवाजे कोई दवाई बांटने आया नहीं आते हैं, घूमते हैं सब पिताजी के नाम। कर्म करते रही हो से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं, ये तो एक मन समझाने के लिए लोगों ने चलन बना दिया। हाँ ये है कि अगर आप प्रसन्न करेंगे तो आपको कुछ अच्छा दिखेगा, हम हो या कोई हो, नहीं हम माने क्या जी, हम माने क्या है? ना आने का पता, ना जाने का पता, कब मरेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जन्म लेंगे, नहीं कोई पता नहीं, कहाँ इसके पहले थे कोई पता नहीं, तो हम क्या है? बस कर्म के ऊपर जितना समाज में आज चल रहा है, हमने कहा तो लोगों का मोह लोग बैठ गया, 1 महीने के अंदर इतना बड़ा बदलाव आ जाए धर्म के क्षेत्र में आप सोच भी नहीं सकते हो, लेकिन कब, जब उतनी कड़ी सुरक्षा मिले तब हम राजदीप साहब ये करो ये करो, ये करने से ये होता है, जो भी जो मन से शुक्ला जी आते हैं, आर्या शुक्ला बांदर भोट करना शुरू किया, उनको कुछ दिन में दिखाई पा, बीच बीच में बड़ी दिक्कतें भी आती हैं, रास्ता नहीं होगा, कंट्रोल हो, लॉकडाउन के जमाने में, लॉकडाउन के जमाने में बाहर आना जाना क्या कितना संघर्ष आदमी झेला है, आज भी मैं झेल रहा हूँ, साहब लोगों का बंगला है मना ही है,
बंदर आप नहीं चला, अब बंदर है वही 24 घंटे वही है, रात दिन वही है, आप जाके देख लीजिए 24 घंटे, और कहीं आते थोड़े हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, कहीं पट्टी चबा रहे हैं, कहीं तार काट रहे हैं, कुछ वहां आप नहीं दे सकते, लुक के देव, छिपा के देव, दूर हटके देव, बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक तो बीज भंडार है एलआई, उसके बीएसएनएल के पीछे, वहां बेचारे, वहां कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन उन लोग की आदतें लोगों ने बिगाड़ दिया, हुसाम को चिराग बत्ती के समय, चिराग बत्ती के समय। ठीक है द्विवेदी, अपने कर्मों का सहारा करो, जो आपके कर्म आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, वो आशीर्वाद ना कोई बाबा दे सकता है, ना कोई गुरु दे सकता है, और ना भोलेनाथ दे सकते हैं, ना हनुमान जी दे सकते हैं, जो आपका कर्म आपको दे सकता है। अनुभव है हमारे जीवन भर का, उस आधार पर मैं बोल रहा हूं, सीखना हो सीखो, अपना करो। आपका जो कर्म, कर्म प्रधान विश्व तिराखा, जैसा कर्म करेगा, देखो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यानी जैसा पासबुक में जमा करेगा वैसा बैंक का भगवान बाबू अधिकारी आपको पेमेंट करेगा। हमने कहा भैया भगवान जो है तो बैंक के बाबू हो गए, अरे बैंक के बाबू कहो अधिकारी कहो, काउंटर पर जो काम करते हैं उनको अधिकारी ही कहा जाता है। तो गीता में यही लिखा हुआ, गीता के अनुसार मैं चला, पूरे विश्व में इस बात की चर्चा हो जानी चाहिए थी, ओ सॉरी, पूरे भारत में जो गीता के मानने वाले हैं, जो हिंदू हैं, सबके जबान पर श्याम साधु का नाम आ जाना चाहिए था। क्यों? गीता के अनुसार 101% अपने आप को चलाया है, श्रीमती जब चाय लेके आती है ना, रोज भन बनाती है, रोज बड़बड़ाती है, तभी वो भी चुपके से बना देंगे वीडियो, चाय ठंडी हो जाती, अगर धुन है तभी आप आगे बढ़ोगे, बिना लगे कुछ नहीं, बांदर बहुत लोग खिलाते हैं, प्रेम करो, बांदर से प्रेम का मतलब हनुमान जी से प्रेम आपका हो गया। हाँ, बताइए। एक शिवम सिंह है। हाँ, शिवम सिंह, अच्छा, और अच्छा, दो एक नहीं, एक जो है, एक का नाम है शिवम सिंह, बस एक ही है ना। हाँ, एक ही है। अच्छा ठीक, धन्यवाद। ठीक, देखते हमारे स्वतंत्रता के लोग हैं, समय देते हैं, सुनते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं, इसलिए कि जो सच्चा होगा वही सच्चे को पहचानेगा। एक तब अगर वर्ल्ड को मैंने चैलेंज किया, हम खुद ही चुनौती दे रहे हैं कि जितना कार्य जिस कंडीशन में मैंने किया है, किया नहीं, मुझसे करवाया गया है, पूरे वर्ल्ड में दूसरा दिखाओ, सामने आओ, चाहे जितनी बड़ी हार जीत लगाओ, लिखा पढ़ी करो, भाई जहां भाई लोग मरे जाए, आप मोदी के नाम देते, मोदी के नाम, हम मोदी के नाम देना बंद कर दे, क्या मोदी जी को हमारे दिल से निकाल सकते हो? इसीलिए तो देखो बहुत अंधा समाज है, ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए, जैसे हमारे हुकुम देव हैं सांसद, आज भी वही पोशाक, वही बोली बानी, वही तौर तरीका, लगता ही नहीं कितना बड़ा सांसद कोई बोल रहा है,
है भाई, अधिकांश सांसद को देखो, एक से गाड़ियां होती हैं। विधायक को देखो, एक गाड़ी, दो गाड़ी, चार गाड़ी, जो चार गाड़ी ना बना लिया विधायक जी ने तो कहेगी विधायक, सब आप जानते हो, सब देखते हो। लेकिन जो आदमी कर्मठ है, जो तपस्या करके दिखा रहा है, उसकी कदर नहीं करते हो। कदर किसकी करते हो? उस बाबा को जो तुम्हारी बहू बेटी को बुलाता है रात में, तुम भर गंदा और तुम भर गद्दार अंधा कौन होगा? इतने बड़े बड़े कांड हो गए, क्या कोई जो है कोई अमेरिका वालों ने भेजा था? करोड़ों रुपए दिया है, करोड़ों, और बहू बेटी ऊपर से दिया है, कौन करता है? जो दिखाई पड़ता नहीं देख रहे हैं। आज तक जितने लोग हमसे जुड़े, हमारा कहना माना, जाओ उनके यहाँ जा जा के पता लगा दो, कुछ यहाँ कुछ बाहर। तो आपकी आंखें खुल जाना चाहिए। कहते हम महिमा मंडित होना चाहते हैं, जैसे आप लोगों ने कहा कि नहीं मोदी जी सम्मान करेंगे, तो हमको लग रहा है जैसे हमको जैसे कोई फांसी ऐसी, खुशी का तो कितना है हम कह नहीं सकते, लेकिन लग रहा है जैसे कोई फांसी लग रही, कि हम क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे। हमको जो हमारे सामने पड़ जाए, हम तो घोल के उनके पैरों में ही कूदना पड़ जाए हम। क्यों? अरे देश को बचाया, बाप रे बाप, ओहो, लाखों करोड़ों गौओं की जान बचा दिया इस मसीहे ने, और साथ में पूरा जेब का काम किया है योगी जी ने। उधर शिवराज जी भी अब आए हैं, पानी पर चढ़े हैं, काम किया है उन्होंने, लेकिन अब उनको भी आ रहा है कैसा, मोदी योगी मोदी योगी, तो हम कहे पीछे रहे, अच्छी बात है। अरे धर्म कर्म में भाई, इसमें प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, कंपटीशन होनी चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो भाई हम तो आप लोगों की जयकारा करते हैं, निस्वार्थ चैलेंज करते हैं कि हमारा नाटको टेस्ट करा दिया जाए। बोलो 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 बाबा जी, बेहोश करते हैं। एक बार हम टीवी देखकर, कई कई डॉक्टर घेर कर खड़े होते हैं, एक यहाँ इंजेक्शन, एक यहाँ इंजेक्शन, एक यहाँ इंजेक्शन, अर्धचेतन। हाँ बोलो बोलो बोलो, एक एक, हाँ बोलो, जो अर्धचेतन में सब जो यहाँ भरा होता है वो बाहर कर देता है, एक एक बात बोल देता है। उस समय पूछा जाए, क्या चाहिए? भारत रत्न चाहिए? बोलो 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 बाबा, अच्छी मोदी जी का चरण की धूल मांग रहे थे, वो चाहिए? चरण का धूल ही मेरे मुंह से निकलेगा महाराज, तब वोट को चैलेंज किया है। श्याम साधु जिंदगी में किसी के आगे झुका नहीं, श्याम साधु किसी को गुरु बनाया नहीं, तो उसी को बनाया जो उसके लायक था। डॉक्टर वो की जायसवाल, बहू भी डॉक्टर, बेटा भी डॉक्टर, पत्नी भी डॉक्टर, वो बड़े बड़े सब सरकारी डॉक्टर, बड़ी बड़ी पोस्ट पर, और वो तारा देवी जायसवाल अब भी हैं रायबली, उनके बहुत बड़ी क्लिनिक है। वो हमसे कहे कि मिश्रा जी, डॉक्टर साहब से कहिए कि ये मतलब काम कर लें, या ये वहां चले जाए, या कोई चीज मंगा दें, मतलब तो हमसे कहती थी, इतना मानते थे डॉक्टर वो पी जायसवाल। खुद जाके रात में देखा, पसीने छूटा, वहां वहां मैंने देखा, वहां देखा भूत प्रेत का आगमन, आंखों से सामने ही आया, लेकिन आवाज सुनी मैंने। और उस समय यही ट्रेजरी खजाना जो सरकार का है, इसी जो जो कलेक्ट्री का चाहिए है ना, इसी में सरकार का ट्रेजरी खजाना बोलते हैं, पेंशन वगैरह वहीं से मिलता था, वहीं पूरी पूरी पुलिस की गारत पड़ी रहती थी, और उसने घंटा बजता था रात के 2 बजे, आए भाई आवाज दिया, हम अपने दरवाजा बोलता है चले गए रात में 2 बजे मॉर्निंग वॉक पर। उनको है, उनको कुछ साधना थी दिखाना था, अद्भुत व्यक्तित्व थे। आज इस दुनिया में नहीं, आज 3-4 साल हो गए, उनको मैंने गुरु माना था, बहुत कुछ सीखा उनसे मैंने, उन्हीं का अंत हमारे इनके ऊपर आ गया है। अरे क्या बोलते हैं, अभिषेक जायसवाल हमारे
हमारी मदद भी करते हैं, हमारी चिंता भी करते हैं। हमको लगता है कि आने वाले समय में कहीं उनके साथ ही ना हमको रहना पड़े, लेकिन हम कहीं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते। जैसे तैसे अपना यहाँ है, बेटी है, बेटी लायक है, इतना हम बेहतर, मेरा ऑपरेशन हुआ सब, बेटी ने कितनी मदद किया, सेवा किया, चिंता किया, लापरवाही करती, उसी में ढेर हो गए। यही तो मैं कहता हूँ, अरे देश मुझे पहचानो, अगर मैं कहीं झूठ बोलता हूँ, मैं हमारे मन में अल्लाह जो सजा दोगे हम मंजूर है मुझे, और अगर नहीं तो कम से कम हमारे बारे में इतनी आवाज बुलंद कर दो कि पूरी दुनिया में बात फैल जाए, पूरी दुनिया में बात फैला दो। ये नौबत आएगी, बस यही होगा कि प्रभु हमारी एक विनती है योगी जी से और मोदी जी से, ये प्रभु अब वो हम जानते अवश्य करेंगे, वो अवश्य करेंगे, लेकिन अगर हमारे कहने से थोड़ा कर लेंगे तो फिर कहने क्या है, करेंगे हम जानते हैं। पर्यावरण की सेवा, कागज पर नहीं जमीन पर, बस यही हमारी अंतिम इच्छा है। हमें कोई अवार्ड पवार्ड कुछ नहीं चाहिए, सम्मान करें वो गले के नीचे नहीं उतरती है। अरे जिसको मैंने अपना भगवान माना, भगवान जैसा माना, देवतुल्य माना उनको, वो हमको सम्मान करें, क्या बताऊं मैं उनको। बस यही है कि एक वस्त्र उनका आपका चाहिए, कोई पुराना राना, कोई जूता चप्पल कपड़ा कुछ भी दे दे। अब ये कुत्ते जो चापलूसी करते हैं, कसने तुमको हाँ हंटर मारे, अरे हम चापलूसी क्यों करेंगे जब मैं कह रहा हूं मेरा नार्को टेस्ट करा दिया जाए, नार्को टेस्ट में सब बातें आ जाएगी, जो असलियत हो बाहर आ जाएगी। चैलेंज करना बच्चों का खेल है क्या? चैलेंज करना बच्चों का खेल नहीं है, बड़ा कलेजा चाहिए चैलेंज करने के लिए। कुत्तों की कमी नहीं यारो, कोई ना कोई आ ही जाता है। महेश महेश दुष्टों को अपना टेस्ट देना होगा, मोदी जी के चरणों की धूल का तो पता नहीं, लेकिन उनका छुआ हुआ जल जरूर दिला के रहेंगे, ये वादा रहा बाबा जी। जय हो, इसको बोलते हैं जाट, जय जाट, जय हरियाणा, जय पंजाब। हमने हमेशा यही कहा, हम जानते हैं हमारी अंतरात्मा कहती है कि जितना ये मसला है कहीं ना कहीं ये बढ़िया। अरे भाई वो लोग भी देखेंगे ना कि इतना बड़ा मान सम्मान इतना उनको मिल रहा है तो जरूर याद करेंगे, वो 84 के दंगों को भी याद करेंगे, एक बार वो मानेंगे, सबकी बात मानेंगे। बस ये है कि भाई दोनों तरफ से, यहाँ से भी हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार की भी तरफ से जितनी भी नरमी बरत सकते हो बरतें, क्यों ये देश का आम शांत का आम शांत बांध का मामला है, वो हमारे बड़े मजबूत अंग हैं, हमारे अंतरात्मा यही कहती है। अरे भैया
थोड़ा मानो, कुछ करो। और फिर सबसे बड़ी चीज भाई, सबको देखो भाई, सबकी तकलीफ सुनो ना। अब अगर हम कह रहे साहब हम यही होना चाहिए, तो हमें अब कुछ आसार लग रहा है कि शायद बीच का रास्ता कोई निकलेगा, समझ गया। मार काट तोड़ फोड़ कितनी नुकसानी, और फिर समय बड़ा बुरा आ रहा है कि समय ये ज्यादा ये बवाल नहीं होना है। अब करें, उन्हें कहा था ना, देखो आई कि नहीं आई, मैंने कई बार कहा कि करोना अभी तो आई है, करीना आने वाली है। सुमन माँ हंस रही थी, कहें बाबा आप जो कहते हैं वही सामने आ जाता है। हमने कहा आप क्या करें, हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी की कृपा है, काम किया है। अगर बत्ती सुलगाने से वहां बैठ के एसी में बैठ के हनुमान जी नहीं मिलेंगे, समझिए। तीन तीन मंजिले से रात में टॉर्च की रोशनी में, उसके मोबाइल की रोशनी से तगड़ा सा बंदर घायल, या बड़े बड़े दांत दिखा रहा था वो, एक बार हाथ भर ले तो मांस निकाल ले जिनके। हम भुवन सिंह लेके आए हैं, रात में डॉक्टर साहब को जगाए हैं जाके, करोड़ों कीड़े भरे थे, करोड़ों यहां पर पूरा हाथ खा गए थे सब। काम किया है, तपस्या किया, पूरी जिंदगी बीत गई है। ऐसे नहीं कि आराम से कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। अरे बताओ भाई, किसकी औरत बर्दाश्त करेगी, वो तो कोठी बंगला और हवेली देख के आई थी ना, कि जिम्मेदार टाइप के हैं, हमारी बेटी वहां वहां राज करेगी, या उनके पति देव सुअर लेके आ रहे हैं, गधा लेके आ रहे हैं, जो आज तक किसने ने उसने कहा तो कहीं बड़े बड़े शंकराचार्य हुई गए, कोई 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 गधा पकड़ के लावा है, ले जाओ ना कटाए हो अपने साथ साथ, जौन है या बेटियन का भी बैलवा दी। हमारी दोनों बेटियों की शादी रायबरेली में कहाँ हुई मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों में पूछो। आप कहें अबरी तारीफ करते हैं, नहीं, पता लगाओ, बिना दहेज के, बिना दहेज के, बिना दौड़े धूपे, यह हनुमान जी की कृपा है। कोई भी आप काम करें मन में सच, आज आप उनको देखिए, हुकुम देव को, कोई है पैदा है धरती पर जो हुकुम देव की बातों का खंडन कर दे है? कोई आदमी ऐसा है जो मोदी जी के विचारों का खंडित खंडन करे? अरे उस मसीह ने अपनी पूरी नहीं, एक पूरे देश को बदल के दिखा दिया है। जिंदा कर दिया जी सोनू जी, उनका गुणगान न करें तो किसी को क्या फर्क पड़ता है। बाबा जी हम सब लोग आपके साथ हैं, जय श्री राम, जय ओ मिस्र बंधु, गर्व होता है सोनू जी, ये मिसरा है देखो, हम लोगों को कुछ आशीर्वाद है। अगर मिसरा में बोल दिया तो फिर उसके हराने वाला कोई मन से बोलेगा। अरे बताओ हमको क्या ले, कितने दिन से हो गए, कितने कितनी बार मैं निराश हो गया, कई बार नाराज हो गया, कई बार उदाहरण भी दिया। अरे क्या महाराज हम बेतने गिरे हो गए कि हमको मोदी जी के चरण का धूल नहीं मिल रहा है। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं ये ऐसी बात करना कहा करें, वो भला चरण की धूल आपको देंगे है, बल्कि नाराज हो जाएंगे। हमने कहा फिर एक दिमाग, हमका पानी चाहिए हमको, कि जो हम ये रोटी का चंदा लगाते हैं ना, ये कटोरी में देख लो है ना, इसमें पानी डाला, चलाया, लगा लिया, थोड़ा सिंदूर लगा लिया, उसी पानी से करेंगे, उसी पानी को हम बढ़ा देंगे सरजू जी का जल मिला करके। बताओ आज अयोध्या है, अयोध्या और उसके अगल बगल के जिले कितने का लाभ होगा। अरे हिंदुओं कुछ बोलना सीखो, कुछ बोलना सीखो। भोलेनाथ ने आज महादेव सीरियल में कहा ना, कुछ लोगों की गुलामी की मानसिकता ही हो जाती है, डरने की एक मानसिकता ही हो जाती है। काशी नगरी के लो है, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि काशी नगरी
ऐसी हो जाएगी जैसे भोलेनाथ के जमाने में रहा होगा वो काशी नगरी। उस आदमी का हम आलोचना करें, हम टिप्पणी करें, उनके काम को देखो। मान लीजिए कोई इत्तेफाकन है, कोई इन लोगों के विचार में बात नहीं आई, नहीं आई, उसको सुलटाएंगे लोग। अरे भाई हमारा मतलब कि मोदी जी का व्यक्तिगत लाभ कहीं नहीं है भैया, आप लोग ध्यान दो, उनका व्यक्तिगत लाभ हो तो भाई आरोप लगाओ। है हम साधु के ऊपर कितने भोकने वाले आते हैं, जब मैं कह देता हूँ बेटा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे साथ पीढ़ी में जितने मर गए हों, गल गए हों, कहीं हों, उनके सारे सदरों को लेके आ जाओ, यहीं बगल में बैठो, सब दिखाओ स्टेप बाई स्टेप। संदीप पाठक कांग्रेसी नेता, यहाँ का युवा नेता, उसने कहा था कहन महाराज एक भी अखबार इधर उधर ना होने पावे, कागज बोलता है। भाई हमको समाज को एक दिशा देनी है, जब हम अपना प्रभाव दिखाएंगे तब तो सरकार हमारी बात सुनेगी। क्या आज भी मोदी योगी जी को पता लगेगा कि बाबा इतना हम लोगों का इतना मानता है, इतना चाहता है, और सिर्फ एक विनती कर रहा है कि प्रभु ज्यादा से ज्यादा वन विभाग को यहाँ वहाँ आदेश दे करके ज्यादा से ज्यादा पीपल, बरगद, गूलर और पाकर, ये सब एक ही वैरायटी में आते हैं, सब पीपल, बरगद, गूलर और पाकर, सब में दूध होता है, मजबूत टाइप के पेड़ होते हैं, जल्दी मरते नहीं हैं, वो लग जाए कितना बड़ा पुण्य, उनको तो पुण्य मिलेगा ही, हमको कितना बड़ा पुण्य मिलेगा कि हमारी वजह से पर्यावरण परिस्था काम हो गया। बस यही इच्छा है, उसके एवज में चाहे वो हमसे दरवाजे अपने जूते साफ करवा में, झाड़ू लगवा में, लैट्रीन साफ करवा में, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ भाई सर्वशक्तिमान, अरे जहाँ देखो भैया एक दो महीना एक स्कीम, ये योजना, आप कौन गलियारा, कौन ट्रेन, अब क्या मालों का आवागमन है, भगवान क्या हो रहा है इस संकट की घड़ी में, अरे मसीहा नहीं तो है कौन, बताओ कितने 18,000 करोड़ किसानों के खाते में चले गए, जो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, ना सुना ना देखा, क्या हो रहा है, और फिर भी हम कमी निकालते हैं है? श्याम साधु के ऊपर जो टीका टिप्पणी करते हो तुमको तो क्या बताऊं मैं, तुमको जहर अगर हाया शर्म हो जहर खा जा मर जाओ। और जिस आदमी का रिकॉर्ड है सर करोड़ों का ठोकर मारा, करोड़ों में दुकान में हमारा किरायेदार ने बेचा, हम मुकदमा नहीं किए, दूसरे को सौंप दिया, उसने मुकदमा, हम कहा भैया तुम ले जाओ तुम करो, हर ऐंठबाजी में, अरे वही सरलता से आते कहना महाराज अब क्या बताऊं मैं, इसी सी बात हो गई है, तुम कहते भैया चलो कोई रास्ता निकालो, बीच का रास्ता निकालो, या छोटी जगह जानते हो तो आप सब थे, जब हमारे परिवार का आदमी ही आपके रजिस्ट्री में गवाही में मौजूद था खानदान का, और जानते हैं खानदान में हर आदमी, हर खानदान में दुश्मन होते हैं, उनको पैसा चाहिए बस, तो समझौते से बड़े बड़े काम बन जाते हैं, बड़े बड़े काम बनते हैं। आजकल भारती जी नहीं आ रहे हैं, उनकी ड्यूटी हम ही को देनी पड़ती है। शुक्ला जी ये हम सबके प्रयास से होने वाला है जी। अरे भैया यही तो जरूरी भी है, नहीं एक चीज के लिए भी एक आप लोग मांग कीजिए क्यों। अरे आज ये मोदी जी केवल भारत के लिए अजूबे नहीं है, अजूबे पूरे विश्व में इनकी चर्चा है कि बाप रे बाप, अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो विरोध विरोध करने वालों,
कोई काम तो तुमने सही किया होता भाई। चलो जहां मान सम्मान की बात थी, देश के मान सम्मान की बात थी, हमारे देश की नाक रोज कट रही थी, हमारे आराध्य देव प्रभु भगवान श्री राम। अरे एक ये ऐसा बड़ा महामंत्र है जो मुर्दे को भी सुनाया जाता है, पांच बार चार बार मरा उल्टा बोलो सीधा हो जाता है। आखिर हमको ये कहां से मिला? शनि मंगल वन विभाग में पता लगाओ भाई, कोई भी जानवर लेके आए तो भाई हमसे सहायता देते थे कि बाबा जी आप पकड़वा देंगे, आप उसको क्या बतावे क्या, मतलब सहायता देते थे, इतने मानते थे हमको। यहाँ के DFO साहब ने कहा बाबा बाबा जी तो आप तो हम लोगों का काम कर रहे हैं, उनकी शराफत देखिए आप, इतने बड़े आला अधिकारी, क्या बाबा जी आप तो हम लोगों का काम कर रहे हैं, अब वो आदर नहीं करेंगे? इतने बड़े बड़े काम हो गए, इसलिए अकलमंदी है कि देश को मजबूत बनाओ, वरना क्या तुम्हारी हालत होगी अंदाजा लगा लो। आज एक एक बच्चा बच्चा कह रहा है कि अगर आयन मौके पर मोदी जी ना आए होते 2014 में तो अब तक पता नहीं क्या ना हो जाता, गुणा भाग लग गया था, समझ गए? ये अटरा कटरा अम्मू जम्मू है, सब सब हाथ से निकल जाता, दिल्ली तक आ जाते वो। ये सारी प्लानिंग थी, खूब आप लोग जानते हो। अरे सब कानों कानों से सुना है, आंखों से देखा है भाषण देते हुए, अब कुछ बाकी रह गया? इसलिए हमारा मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई नफरत नहीं, हम अपने को मजबूत करेंगे, हम अपने देश को मजबूत करेंगे, दरवाजा मजबूत मतलब किले किले बंदी करेंगे। जिसको रहना आराम से रहिए, प्रेम से रहिए, इज्जत से रहिए, एक दूसरे के पूरक हैं भाई। तो बिना उनका काम नहीं चलेगा, बेलाराम जी, उदित चंद्रा जी और AKB AK जी के अथक प्रयासों से, राम जी और हनुमान जी के आशीर्वाद से वह मंगल घड़ी आने वाली है जिसमें मोदी जी के द्वारा बाबा जी का सम्मान होगा। धन्यवाद। क्या बताएं साहब, इतनी हमारी विनती जरूर सुन ली जाएगी कि प्रभु आपका कोई वस्त्र पहना हुआ हो, हमको एक कोई हमको दिला, एक विनती है, मांग है, मांगने में क्या जाता है, यादगार रखेंगे। अरे बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया, वर्ल्ड को चैलेंज करने वाला ये बाबा, उनके सामने नतमस्तक चरण के धूल मांगने लगा। क्यों मांगा इसके ऊपर गौर करो, मैं कौन हूं, मैंने ऐसा क्यों कहा है? पैसा हमने कहा चलो हम एक महीना भी कहो करके देख ले, हम नहीं लेते हैं उनका नाम, उसके बाद फिर तुम क्या दिखोगे क्या बोलोगे, यह ना कह सके कि हमने कहा कोई जवाब नहीं मिला। कि इसके लिए आप लोग भी ध्यान दे साहब, जो हमारे यहाँ सेब टाइप का अमरूद है वो तो खैर वो अनोखा ही है अलबेला, लेकिन इसके लिए ये अच्छा है एक पेड़ लगा ही ले, किस मिट्टी का कहाँ से है कहाँ इसका कलम आ जाए भाई। यहाँ जब नारियल हमारे यहाँ हो गया, लौंग हो गया, तो ये सरकारी मांग किया जाए योगी जी से, आप लोग भाई हर आदमी का अपना अपना, योगी जी ऑर्डर कर ले तुरंत कि साहब ये जहाँ के कलम है ये मंगा के रायबरी के नर्सरी में भेजा जाए। अरे अमेठी में आ जाए तो हम मंगवा लेंगे, अमेठी में बाबा मुरारी दास जो है उसके आश्रम में भी दो पेड़ दे देंगे लगाने के लिए। जय श्री राम। सोनू कुमार, यशवर्धन द्विवेदी, अरे द्विवेदी जी हाथ न जोड़ो, कुछ लिखो, विचार लिखो।
अंत में आशीर्वाद दीजिए। गिरीश ओझा। बाबा जी ठीक साहब, सबसे आते देखो सेवा होता हुआ, अब जैसे था अभिषेक जसवाल जी के परिवार में कोई है डॉक्टर किरण जसवाल, तो उनके नाम से गोपनीय, ऐसे नहीं गोपनीय नाम से भोज किया। काले बंदरों तक जाना होगा अगर, तो वहाँ भी उनके नाम से करेंगे। काले काले बंदरों का तो बड़ा बहुत बड़ा महत्व है साहब। अरे वो खा लिए सब जो हनुमान जी खा लिए, केसरी के वंशज वही हैं। एक घंटा पांच मिनट हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ओझा जी, बाबा जी को बनारस से मेरा प्रणाम। जय हो भगवान, जय प्रभु। वक्त वक्त की बात है, हम रायबरेली का नाम ही नहीं सुने थे जब मैं बनारस में रहा करता था। खाली पटने की और दरभंगा की जानकारी थी, बहुत जमीन थी वहां पर, रायबरेली का नाम भी नहीं सुना था। चलिए शुक्ला जी, बड़ी खबर है, देखो काश ऐसा हो जाए। नहीं ये तो है, ये पानी तो मिलकर रह गया, तो हमको एक एक ऊपर इसका इनको उपाधि मैंने दिया है कि 47। नहीं कोई ना कोई जोगाड़ निकाल लेंगे, ये दिल्ली के ही तो हैं, ये जोगाड़ निकाल लेंगे, लिख के देंगे कि साहब एक बोतल पानी चाहिए, वरना हम लोग अनशन करेंगे बाबा जी के साथ। एक संदेश पहुंच जाएगा खट, भाई जहां अनशन आपने किया नहीं तहां भीड़ लग गई, तुरंत मीडिया में बात पहुंच गई। मोदी जी को भी हंसी आवे कि एक बोतल पानी के लिए कोई अनशन करे है। देश को बचा लिया, ये योजना हर 3 महीने हर 4 महीने में भगवान सुनते हैं। प्रादेशिक न्यूज समाचार आता है ना यहाँ पर गोरखपुर से वाया लखनऊ, लखनऊ आकाशवाणी से, कहा 3-4 महीना ये किसान का भला, व्यापारी का भला, छोटे का भला, अरे छोटों का गरीबों का मसीहा है। आज तक ऐसा मसीहा पैदा ही नहीं हुआ हमारे देश में, गरीबों के आंसू पोंछ के दिखा दिया हो, नहीं हुआ। आज भी उनके दिमाग में है, आज भी देखो जय ट्रेन का पत्थर वाले हैं, फल वाले हैं, छोटे किसान हैं, क्या 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 उनको सुविधा है, ये सुविधा वो सुविधा, अरे भगवान। अब आत्मनिर्भरता के जानते कितनी बड़ी चीज है, नौकरी आज है कल को खत्म, आत्मनिर्भर बन गए तो जी बच्चे अंडे बच्चे सभी आराम करेंगे, उसमें फायदा उठाएंगे। यह तो सुनते सुनते कान पक गए साहब। अच्छा एक बात बता, मैं हमको भी पता ये अजीब सी बात लगती है भाई। अरे सीधे सीधे वो भी चाहते हैं कि साहब ये हट जाए, उनसे कहो भैया तुम इनकी जमीन ज्यादा सब ले, हम तुमको देते हैं, इंडिया गवर्नमेंट यही करे, उनको बोला दो, उनसे कहे भैया जो आपको देना हो दे दो। अब वही हाल जब यहां होगा तब क्या होगा, फिर तब क्या होगा भाई। आप हमको थप्पड़ मार सकते हैं तो हम आपको थप्पड़ नहीं मार सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को बचपन से सिखा दिया गया था, बचपन से बता दिया गया था कि यहां कोई मारे दूसरा गाल, वही बचपन से सिखाया गया। हम लोग बड़े आदर्शवादी थे, और आदर्श का अंजाम यह था कि सैकड़ों हजारों लोगों को, तोदा भर का पाकिस्तान, और हमारे सैनिकों को मार डाला, अधिकारियों को मारा, सैनिकों को मारा,
ये उसी का परिणाम था। 90,000 सैनिक पकड़े गए थे, मानेकशॉ वो सेना के सबसे बड़े अधिकारी थे, मानेकशॉ 90,000, कहीं जाओ बेटा मौज करो, ये तो ससुराल है तुम्हारा, यही है देश में घटना घटी है, इसके ऊपर देशवासियों रोज आवाज उठाओ, रोज बोलो, तुम्हारा बोलना कर्तव्य है। यानी बाबा रामदेव, बाबा रामदेव, राम काज की बात करो, कोई भी नेता हो उसको जरूर एक बात सोचना चाहिए कि क्या उसके कार्यकलापों से भगवान पसंद है उससे। हमारा बच्चा ने शायद जितने महा के मंदिर हैं सब मूर्त उठाओ, सब लेके चले आओ, वहां के लोगों को बुला लो, भैया वहां सरकार से कहे भैया इनके मुआवजा को देना है आपको, चलो उनको बुला लो, कहो कोई मंदिर नहीं रहेगा वहां, सब ले जाओ मूर्त लेके चले आओ, ये सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए। कितने लोग होंगे तब यहाँ पर, रोज जो दंगे फसाद पत्थरबाजी होती बंद हो जाएगी, वो देखेंगे भैया इन्होंने तो अपने को बुला लिया, अब वो तो इनको बुलाएंगे नहीं, तो इससे रहिए आपका। अरे भाई हम तो कहते हैं इंसानियत को पहले आगे रखो, लेकिन इंसानियत कब हम लोग आगे रख पाएंगे, जब हम राक्षसों का भोजन नहीं करेंगे, शैतानी खुराक नहीं लेंगे, ये शैतानों की खुराक है साहब। भाई कुंभकर्ण था क्या खाता था, गाय का मांस खाया कुंभकर्ण ने, भैंसा खाता रहा, जी हब साहब क्यों लोग जानवरों के कल्याण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्यों लोग जानवरों की स्थिति के उत्थान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्यों नेता की पूजा की जाती है और न गायों गायों या अन्य जानवरों की, वही यही तो मक्कारी बेईमानी है सब, बस बहु हुआ नारे गोहत्या बंद हो, जो नारे लगाते रहे बाबा लोग, हमने पूछा कभी आप अंधन में बैठे हो गाय के लिए है? कभी प्रयास किया, हमको पता लगा अयोध्या जाना है, कलयुग मेहरोत्सव का भंडारा होने वाला है, हमने कहा हमारी एक शर्त है, तो कहा हमारे जाने से ऑटो फोटो एल्बम लेके रखे होते हैं बैग में, कहीं पुलिस वाले रोकते हैं तो हमारा फोटो बड़ा काम कर जाता है, दरोगा जी देखते हैं अरे ये बाबा के ऊपर इतने बंदर, तो उनके अंदर एक श्रद्धा आ जाती है, कुछ ये भी सोचते हों कि भाई कोई सिद्ध बाबा होगा, अरे बाबा जी बैठिए बैठिए चाय मंगा में, हमने कहा हजूर आपने कह दिया तो समझिए चाय नहीं, आपने स्वर्ग से अमृत मंगवा दिया, तो भी हंसने लगे, हमने कहा सर बस बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा पूरा आशीर्वाद आपके परिवार को लगे, यह होता है प्रेम के चारे, मौत मौत की ट्रेन आ रही है, उसको रोज एक बार याद कर लिया करो, चली आ रही लगातार साहब, ये न समझो कि तुम जादू करोगे पूजा करोगे भगवान के बैठोगे, कुछ भी करो मौत की ट्रेन आके रहेगी और बैठना पड़ेगा, बस यही यही जिंदगी है, सब छूट जाएगा, सब आटी पार्टी नेता पद प्रतिष्ठा सब स्वा लोग याद, अरे याद करें याद ना करो, हमारे बताए मार्ग पर चलो, मेरे बताए मार्ग पर आप लोग चलोगे तो मरने के बाद जहाँ मेरा जन्म होगा ना, वो पुण्य उसको मिलता रहेगा, तो फल की इच्छा न कर, नहीं अब वक्त बदल चुका है, फल की इच्छा नहीं करेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे, जिंदा रहने के लिए तो कुछ चाहिए है? मौत के बाद जो ट्रेन में बैठोगे कुछ वहां की तैयारी किया आज तक आपने, 60-65-70 साल की जिंदगी के लिए आदमी सब कुछ करता है, लेकिन मरने के बाद एक लंबी यात्रा पर, बहुत लंबी यात्रा, उसका कोई पता नहीं है, उसके लिए कोई तैयारी नहीं, तैयारी करो, ये कबड्डी सा नीचा दिखाना बुराई करना गाली देना किसी भले आदमी का, किसी तपस्वी का जो तपस्या कर रहा हो सेवा रूपी तपस्या, उसका अपमान करना, आपको कहीं ना कहीं भयंकर मुसीबत का सामना करना पड़ेगा,
राइट ले आओ, हम आपको 1 2 3 4 5 7 8 हम पूरा अखबार दे देंगे। अरे ओझा जी, पूरी कहानी सुनने के बाद, पूरी रामायण सुनने के बाद आप ये पूछ रहे हैं कि रावण कहाँ, रावण कहाँ रहता था? चरण की धूल तो हमको मिली नहीं आज तक, नहीं अब तक वायरल हो गई बात, फैल जाती तो हमारी बात होगी। फिर भी अपना धैर्य नहीं खोए हैं। संजय, वर्मा जी, सौरभ वर्मा, अयोध्या कब आ रहे हैं? अब लॉकडाउन की वजह से बड़ी सब तंगी हो गई, आना जाना रोक छेक लग गया ना, सब जगह बड़ी सख्ती हो गई है, इसीलिए जब एकदम मामला फ्री होगा तो आएंगे। जो यहाँ से जो भंडारा करने वाले जाते थे, वहाँ के जो आला हाकिम हैं, करता धरता, उनको आप लोग मोबाइल कीजिए साहब। रायबली वाले इतना बड़ा भंडारा करते थे, मामला क्या है, क्या क्या हो गया? अरे बंसल साहब, ये तो आपने कुछ देख लिया, वीडियो देख लिया, हमारी बातों को सुन लिया, लेकिन जब हमारे पुराने अखबार जो निकल रहे हैं सब धीरे धीरे, उनको हम इसी के ऊपर दिखाएंगे, उसी का यूट्यूब पर डालेंगे फोटो यानी वीडियो बना बना के, तो उस वक्त आप देखिएगा। अभी तो केवल थोड़ा बहुत आप एक बांधगी सैंपल देख रहे हैं, उस समय आपको आश्चर्य होगा कि बाबा आपने ये सब कैसे किया। अयोध्या में काफी, अरे अयोध्या जैसे बंदर कहीं है ही नहीं। वहां के लोगों को चाहिए कि वहां के उनकी नसबंदी के लिए व्यवस्था करें, बहुत संख्या हो गई है, बहुत तकलीफ में है सब, चट्टे हैं तगड़े वाले, उनको जाल में फंसा फंसा के उनको वो करें, नसबंदी कर दें, धीरे धीरे आबादी कंट्रोल में आ जाएगी। अब बड़ी गौरतलब बात है भाई, मोदी जी के मैं जो बातें उनके बारे में मैं करता हूँ ढंग, मैं तो चैलेंज के साथ करता हूँ ना। हुकुम देव नारायण जो हैं सांसद, जो आज कुछ टीवी पर इंटरव्यू में बोले, एक शब्द भी गलत बोले हो बता दो, एक शब्द अगर बोला हो गलत तो बड़े नम्रता से, आह
जी सोनू जी, बहुत बढ़िया, ऐसा ही चैलेंज करो, मिस्र बंधु हो भाई। देख हुकुम देव जो है सांसद, गरीबी देखा, मोदी जी के बारे में बताया, एकदम अवतरित पुरुष है वो भाई। इनका खंडन करो ना कि आपने कहीं देखा इतना, यानी कामों का ग्राफ देखो, ग्राफ बोलते हैं ना वो, ये क्या दिखाते डिजाइन ऐसे, ये ग्राफ, कार्यों का ग्राफ। सबसे बड़ी बात, हमारे देश की आबरू बचा दिया हमारे प्रभु ने, इज्जत बच गई हमारे हिंदुस्तान की, वरना हिंदुस्तान की वो भयानक स्थिति होने वाली थी, पूरा देश जानता है। अपने को मजबूत किया और मार नकाट, मुस्लिम महिलाओं के आंसू पोंछ करके, अरे भगवान। तभी भाई हमने कहा कि चरण का धूल, वास्तव में चरण का धूल इनका लगाने वाला है, लेकिन यहाँ की परंपरा, वो परंपरा के गत अगर मान लीजिए ऐसा चांस आ भी गया तो उनको हमको सब जो भी करें भेंट दें कुछ वो करें, तो हमारे लिए तो वो बड़ा हुआ होगा कि नहीं प्रभु, हम आपको भगवान मानते हैं और मानते रहेंगे जब तक मैं जिंदा हूं। क्यों? अच्छे आदमी का नाम बार बार लेने से आपको पुण्य मिलेगा, पापी आदमी का बार बार नाम लेने से या सुबह के टाइम उसका चेहरा देख लो खाली, उस दिन अगर बच जाओ तो बड़ी बात। सोचिए आप, देश बच गया, देश बच गया भगवान। अरे देश बचा, इतने बड़े बड़े काम, ये काम ये काम ये काम वो काम, हम जगह जब बड़े बड़े काम हो रहे हैं तो प्रभु हमारी जरूर विनती सुनेंगे। अब पर्यावरण के नाम पर भाई गवर्नमेंट के यहाँ बजट भी होती है, केवल पेड़ लग जाए बात, ज्यादा ज्यादा हम अपना सुझाव भी दे देंगे लिख करके, एग्जाम इस ढंग से अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। बाकी हमको कुछ नहीं, ना तनख्वाह की जरूरत, ना पैसे की जरूरत, ना सीट, ना वोट, ना नोट। बहुत बड़ी बात है, मोदी जी को आसान हमने कहा ना, इनको पहचानना ही कठिन है। जी सोनू जी, एक साहब देखिए तारीफ किया आपकी, देखिए ए के साहब बेचारे, इन्होंने ही एक आवाज उठाई एकदम से जोश में आकर के, हमारी कोई बुराई करता है जिनका रहा नहीं जाता है, बेचारे नोट करवा देते हैं, जो इन लोगों के लिए अपने आप आशीर्वाद जाता है, इन लोगों को आशीर्वाद मांगने की जरूरत है नहीं, हमसे जुड़े हैं, हमारा भला चाहते हैं, हनुमान जी आपको देख रहे हैं। किसी बाबा का मन प्रसन्न हो, मन प्रसन्न होना ही आशीर्वाद है। आशीर्वाद छोड़े कि मारा अगरबत्ती सुलगा दिया और स्वाहा स्वाहा कर दिया, वो सब बड़े बड़े कार्यक्रम में अच्छा लगता है, बड़े बड़े कार्यक्रमों में चले साहब, भयंकर नींद आ रही, ठीक है देखिए साहब,
जी हब साहब, बहुत बढ़िया लिखा आपने, बहुत बढ़िया। अरे महंग जी, दो शब्दों में पूरा गागर में सागर भर दिया आपने। गर्व कीजिए, घमंड शब्द न लिखिए, गर्व कीजिए आप। हैं उर्दू में फख्र बोलेंगे, मुझे मुझे फख्र है। पंजाबी में फकर बोलेंगे, मुझे फकर है। भागलपुर से हैं जी, निरंजन कुमार। अपने विचार लिखा करो भैया, है ना। जय हो सोनू जी, यही आपका फर्ज बनता है। जिंदा कर दिया साहब। यहाँ रायबली मैंने थोड़ा देखा कि कुछ लोगों को भड़काया जा रहा है कि मोदी जी तो सब ठाकुरों, वो योगी जी खाली ठाकुरों के लिए करते हैं। सोचो, अंत में देखो नहले पर, अरे इनके नक्षत्र में है, तो मैं इतना इनका बुरा चाहोगे आपका बुरा अपने आप ही हो जाएगा। चले साहब, बहुत भयंकर नींद आ रही है ना, देखें कोई हद छूट तो नहीं रहा। वीडियो रुक रुक कर, इंटरनेट की होगी कोई कमजोरी। अच्छा, जय श्री राम। अरे अपना नंबर मैसेज करें, आप हमारे उस पर जाइए, shyamsadhu.com वेबसाइट है, उस पर नंबर हमारे दोनों मिल जाएंगे। और ऐसे नंबर मुंह जवानी भी नोट कर लें, 9450089127, 9450089127। दूसरा नंबर नोट कर लीजिए, 7007913308। अरे साहब, जिस दिन ये आंदोलन समाप्त हो, आप आपस में मतलब सौहार्दपूर्ण ढंग से, मैं कितना बड़ा भोज करूंगा कभी आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। क्यों, वो पंजाब की दी हुई गाड़ी है।
उसी गाड़ी से, कितना मैं विशाल भोज करूंगा जाके मारे खुशी के। अरे भाई अपना परिवार है, अपने हमारे देश की आन बान शान है, हमारा धड़ यही है, पंजाब है, ये धड़ है हमारा, इतना वही नाराज हो जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे ना। नाराजगी ठीक नहीं है आपस की, रास्ता निकालेगा, कुछ ना कुछ तो होगा, हमें पूरी उम्मीद है। और बड़े सरलता बड़ी सभ्यता का ही लोग पर्चे भी देते हैं, ये ओछापन नहीं दिखाते कि मार पत्थर मार रहे हैं और ढेला मार रहे हैं और गुलेल चला रहे हैं और ईंट पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, नहीं, उन्होंने जो है पूरी उसकी एक मर्यादा रखी सिख समाज की, समझ गए, विश्व शिरोमणि पंजाब कहा गया है, ऐसा नहीं कि वो हो। लेकिन अब ये कि वक्त की बात है, देखिए एक परिवार में भी कभी न कभी टकराहट तो हो ही जाती है, और जो वहाँ का बुजुर्ग होता है घर में, जो बच्चे सियाने होकर लड़ते हैं, तो जो बुजुर्ग होते हैं उनको बड़ा दुख होता है। मैं इसके लिए भी नार्को टेस्ट करवा सकता हूँ कि मुझे अंदर से कितना मैं दुखी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हमारा ना कोई सुनने वाला है ना कहने वाला, नहीं हम दोनों तरफ से करते, हम सरकार से भी मांग करते कि साहब कोई भी ऐसा करें कि कम से कम सबका हो भाई, अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहे। श्याम साधु अपने लिए नहीं जिया, श्याम साधु ने उसके लिए जिया है जो बड़े बड़े नहीं आज तक जी पाए, गाय गधा कुत्ता सुअर सड़े घाव वाले आप छुएंगे, घर में जाएंगे अपनी बेइज्जती कराएंगे, हमसे प्रभु ने कराया मैंने किया, आज वही बात हमारे लिए एक रिकॉर्ड बन गया। ठीक, आपको हमने दो नंबर बता दिया है, नोट कीजिए, हमको ये मैसेज करना ये सब नहीं आता है, कोई मैसेज भेजता है तो हम पढ़ नहीं पाते हैं, बड़ा काम होता हमारे पास। बाबा जी हम भी बड़े जिद्दी राहुल सूर्य मोदी जी का पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक मन की बात में आपका जिक्र नहीं करेंगे, हैं, अरे वाह, जय भगवान की, अरे राहुल जी हैं, वाह, जय हो राहुल जी, आपने तबीयत गदगद कर दिया। देखो हर आदमी के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने भाव हैं, अरे हम लोग एक हैं यार, हम लोग अलग नहीं हैं। जिस दिन मुस्लिम समाज की ओर से लड़ाई झगड़ा पत्थरबाजी बंद कर दिया जाएगा, उस दिन देखिएगा, उस दिन हम सीना तान के कहेंगे कि गंगा जमुनी की तहजीब है हमारे यहाँ, लेकिन आपस में मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, दुश्मनी भेदभाव, और दिल्ली में कितने बड़े बड़े कांड होगा सोचिए, हमारे शर्म के जो है सर झुक जाता है, तो बड़े बड़े गुलेल फिट किए गए थे छत के ऊपर, गुलेला ये क्या है सब, कितनी गंदी और घृणित बातें हैं, लेकिन सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। बिल्कुल बिल्कुल, कॉल कीजिएगा, इसके बाद ही आप मिला लीजिएगा, हम मोबाइल को ऑन हम ही ऑन कर लेंगे। बाबा मैं आना चाहता, आपके पास आ सकता हूँ क्या? आ सकते हैं, आधार कार्ड भेज दीजिए पहले से, है ना, क्योंकि हमारे रिलेशन में है वो दीपेश मिश्रा, हमारे रिलेशन में आते हैं, पुलिस में है वो, इस समय रेलवे में है, कोतवाली में रहे, सुल्तानपुर में रहे वो, तो उन्होंने कई बार हिदायत किया, कहीं चाहे जितना खास हो, बिना प्रमाण के किसी को टिकाइएगा नहीं और किसी के साथ अकेले कहीं जाइएगा नहीं। जबकि हमको किससे क्या लेना देना है, केवल मैं सच बोल रहा हूं, यही अपराध है मेरा? अरे हम तो देश के लिए बोल रहे हैं, देश देश में दम था, देश में दम था, तब तो हमारे प्रभु मोदी जी ने गैस का कनेक्शन बांट दिया गरीबों को, उसमें करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को भी तो लाभ हुआ, मामूली बात है ये, इन्हीं बात की चर्चा की जानी चाहिए जो आज तक कोई नहीं कर सका और हमारे प्रभु ने करके दिखाया।
जी अरे साहब, शुरू से मैं हूं, समझ लीजिए, शुरू से कितना मान सम्मान हमने, यहां तक कहा कि अगर कोई सरदार जी हमको सरेआम गाली दे दे आके, तो उनकी गाली सुन के मुझे हंसी आएगी। आप लोग हमारे देश के ये हिस्से हो महाराज। अरे क्या वहां का कल्चर है, क्या प्रेम है लोगों का, लेकिन अब वक्त वक्त की बात है भाई, ये लोग जिद में आ गए। भाई यही नहीं कहते आपकी मांग मत करो या आपकी मांग गलत है, बस ये है कि थोड़ा महाराज और भी लोगों का ध्यान रखिए। आप लोगों से विनती है, हुकुम देव ने कहा, भाई सिख समाज को मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप लोगों का एहसान है हम लोगों के ऊपर, हिंदू को बचाने के लिए ही यह सिख समाज बना और पंच प्यारे में सारे हिंदू गए थे, कितनी बड़ी बात। आन शान में है तो बड़ा काम करके देखा, मोदी योगी जी का शान तो अपने आपे बन गई, अपने आपे शान बन गई, जो कोई नहीं कर सका वो प्रभु ने करके दिया और चुटकी बजा के कर दिया। लगा बच्चों का खेल, वो मंजर को देखा भैया टीवी पर होश उड़ गए कि मोदी योगी जी राम राम लला के मुहूर्त को लेके चले आ रहे हैं, इसे लगा कि क्या हो रहा है, क्या ताज्जुब की बात थी, कितना भाग्यशाली थे हमारे योगी जी, कितने भाग्यशाली थे कि 500 साल में जो कोई नहीं कर सका। और ये प्रभु राम की भी देखो प्रेम, राम भगवान राम जो है हमेशा लक्ष्मण को आगे ही रखते थे, उनका भी स्नेह देखो, उनकी पूरी तैयारी, उनका सारा प्रयास, सारी ताकत लक्ष्मण जी से उठवाया। पूरे देश में उस दिन देखो थाली संग घंटी घड़ा है बजा, लॉकडाउन की हालत में बजाए, जय हो जय हो। इंडियन इंडो जय हो, आशीर्वाद है हमारा आपके पूरे परिवार के, और आशीर्वाद उसी से मांगो जो कुछ कमाए हो, पैसा नहीं पुण्य कमाए हो, उसी से आशीर्वाद मांगना। कोई आदमी हो, कोई आदमी आपके खानदान में है, रिश्तेदारी में है, मोहल्ले में है, अगर निहायत ईमानदार है और सीधा है तो समझो ईश्वर की कृपा है उसके ऊपर, तो बड़े बड़े ग्रह हामेंगे ना उसके ऊपर, नहीं हावी हो पाएंगे। पांच महीनों बाद घर से 130 किलोमीटर दूर अभी होटल में हूं। अच्छा, अच्छा 2 साल से जुड़े हैं सोनू जी, वाह। भैया देखो हर चीज से सीखो जानो, हमारा सिर्फ एक मकसद है, मोदी जी का एक मकसद है कि हमारा राष्ट्र मजबूत है। पूरे जीवन भर हमारे प्रभु ने स्वप्न संजोया है और जान पर खेलना पड़ता है। नोटबंदी के समय अरे बाप रे बाप, तब मैंने उसमें कहा था कि भगवान श्री राम ने एक रावण को मारा था, अब मोदी जी जैसा दशहरा किसी ने मनाया ही नहीं, एक तीर में सारे रावण भर भरा के गिर गए। बोलो कितना इनसे बड़ा देश का काम करने वाला कौन नेता हुआ भैया, नाम बताओ, कोई हुए नहीं आज तक, इतना बड़ा बड़ा जोखिम भरा काम किया और करके दिखाया, काम किया, कथा नहीं सुनाई मोदी जी ने, कथा नहीं सुनाई, जो भी किया वो अद्भुत किया, ये भोले की कृपा है। अब उन्हीं के दिमाग में ये अटल, ये इनके पटेल जी की प्रतिमा की बात क्यों आई, बात बड़ा इशारा है, बड़ी गहराई है उसके अंदर। करे जिनके बदौलत तुम लोग पार्टी बनाए, उनके लिए क्या सोचा आज तक कुछ,
इन्होंने इतना ऊंची प्रतिमा बनवा के पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व में पटेल पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे वर्ल्ड में छा गए। अपने लिए क्या किया हमारे प्रभु ने, अपना नाम बताओ। मैं, मेरा आधार कार्ड में नाम जो है कृष्ण कुमार मिश्रा है, के मिश्रा। पता है दुर्गा मार्केट, कचहरी रोड, रायबरेली, यूपी। यह पुकारने के नाम घरेलू नाम श्याम बाबू था, क्योंकि हम लोग बिहार के हैं ना, तो श्याम बाबू नाम से जाने गए। अब बाबू शब्द लग जाता है जहाँ बड़े घर में लोग होते हैं, तो श्याम बाबू। फिर श्याम बाबू से श्याम साधु मैं बना, और साधु बनाने वाला कौन थे, एक मोहम्मदन कवि सोचिया, सुदामा जी और राजेश चौरसिया जी। नामकरण किया, अखबार में छपा सब, तब श्याम साधु के नाम से जाने गए। फिर उन लोगों ने नाम किया, तो कुछ दिन तक हम लुंगी उंगी नहीं पहनने में हमको हमको शर्म आवे, धीरे धीरे पहनने लगे। हाँ, वाह, क्या बात क्या बात क्या बात, ताली बजाओ भाई, क्या बात क्या बात। तरसती है धरती हजारों साल, तब तक तब कहीं जाकर पैदा होते हैं नरेंद्र मोदी जैसे माटी के लाल। वाह वाह वाह, क्या बात, ताली बजाओ भाई। अरे देश बदल गया प्रभु, आज उसी के बदौलत, उस मसीहे के बदौलत आज श्याम साधु को दुनिया सुन रही है। उनको हम नेता कहें, शुरुआती दौर में मैंने कहा था मोदी माने कुछ नहीं, लोग सोचे क्या बाबा पागल हो गया क्या, मोदी माने कुछ नहीं, नहीं मोदी माने भारत। तो उसी के मिलता जुलता कविता चार लाइन की मुत्तक इन्होंने लिखा, गजब का लिखा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको मैंगी, बहुत बढ़िया लिखा। जी पी तिवारी जी, जय हो महेश महेश। गौरवित चावला, ठीक है चावला साहब, कल याद दिलाइएगा, हम बताएंगे। हम तो जो भी बताते हैं कुछ न कुछ उसका प्रभाव दिखता है, चाहे वो बंदर भोज हो या जानवर की सेवा हो, कुछ भी हो। क्यों, यह औघड़पन की बहुत बड़ी क्रिया है, पशुओं की सेवा बहुत बड़ी क्रिया है। बड़े बड़े जो औघड़ हुए हैं वो यही काम किया करते थे। मोदी माने श्याम साधु, वाह भैया, यस नंद साहब, मोदी माने श्याम साधु। चलिए आप लोगों की इच्छा होगी तो प्रभु के कृपा, इतना तो विश्वास है जैसे, और तो और इसमें जो है एक साहब बहुत जिद्दी आदमी, अब फिर कोई ऐतराज भी नहीं। अरे साहब, एक बाबा जी पानी मांग रहे हैं, महाराज आप अपने देश के बाबा को पानी नहीं देंगे, अब यानी कि सारे बाबा मांगेंगे, तो बता दिया जाएगा कि साहब एक इंडिया मार्का है, उसमें सारे बाबा लोग पानी भर ले जा करके। जाइए, अगर अपने आस्था से जाओ और उसमें लाल रंग लगा दिया जाए, हनुमान जी कलर बना दिया जाए, बहुत बड़ी चीज है साहब, ये मामूली बात है। रे अब तक पता नहीं क्या भी भयानक स्थिति आ जाती देश के अंदर।
और इसमें चौदह साहब आप होम्योपैथिक दवा दो थोड़े दिन तक, इससे सब एलर्जी पलर्जी खत्म हो जाएगा। होम्योपैथिक दवाई लीजिए, एकदम गारंटी से आपका काम ठीक बन जाएगा। आज मिली थी थोड़ी देर के लिए, और वीडियो भी डालेंगे, कभी कभी नहीं मिल पाती है। अच्छा, नाम बता दिया ना, कृष्ण कुमार मिश्रा, के मिश्रा। मोबाइल नंबर वेबसाइट पर जाइए, श्यामसाधु.com, उसमें दो नंबर मिल जाएंगे आपको। अजय हिंद्री सर्च करने पर आ जाएगा। अच्छा, अच्छा इंद्री, ठीक है, बंद करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।